Hi, welcome to The Quint. I am Zija Shirwani and I live in Old Delhi, the place जो बहुत सारे लोग इस रमजान मिस करने वाले हैं बिकॉज लॉकडाउन है और बहुत सारे फूडीज यहाँ पे अमेजिंग खाना खाने के लिए फूड ट्रेल्स पे नहीं आ पाएंगे. सो आई थॉट आई ब्रिंग समथिंग फॉर यू विच इज निहारी रेसिपी. So I won't be making nihari. My mom will be making nihari for all of us. Mama, कौन सी nihari बनाएंगे आप? Chicken nihari. Okay. So गालियाँ पड़े उससे पहले मैं बोल देती हूँ कि chicken nihari हम इसलिए बना रहे हैं because beef, mutton and all those things are not available. So let's just get to it. मसाले नहीं हो सकते. सो व्हाट विल वन डू, जैसे कि बहुत सारे मसाले इसमें यूज होते हैं तो कैसे कर सकते हैं? कम कर दें जो मसाले नहीं हो, नहीं डालें. वो ये कि इसमें व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मसाला जो कि यूज करने ही करने, जिनके बिना निहारी नहीं बन सकती? लहसुन अदरक जरूर चाहिए और गरम मसाला होना चाहिए. अगर आपके पास साबुत मसाले नहीं है तो कम्प्लीट गरम मसाला पिसा हुआ बाजार लेके वो डाल दें. तो थोड़ी देर ऐसे ही तेल में ही इसको पकने के लिए छोड़ दें. अब इसमें लहसुन अदरक 1.5 टीस्पून जब ब्राउन हो जाए ये लहसुन अदरक तो फिर इसके बाद इसमें मसाले डालेंगे. अब ये मसाले जो हैं सारे ये इसके अंदर ये लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो शुरू में रह गया था. ये है नहारी को गाढ़ा करने के लिए आटा. ये 2 टीस्पून आटा है और इसको पानी डाल के हम इसका एक गाढ़ा सा घोल बना लेते हैं. लम्स नहीं होने चाहिए इसमें बिल्कुल भी. इसको अच्छे से फेंट के गाढ़ा सा घोल बना लेंगे. तो ये नहारी को वेलवेटी करने के लिए गाढ़ा करने के लिए. अब थोड़ी देर के लिए इसको बंद करके पहले जो है जितना भी तार जितना मैक्सिमम निकाल सकते हैं उतना इसमें से निकाल देंगे. वो इसलिए क्योंकि आटा पड़ने के बाद फिर जो है तार एकदम ख़त्म हो जाता है. विद टेकिंग आउट एक्सेस ऑयल. एक्सेस ऑयल नहीं, ये इसमें है ये तेल, ये इसलिए बाहर निकाल रहे हैं कि बाद में इसको डाल देंगे. जब हम आटा डालते हैं ना तो ये इसकी रौनक सारी ख़त्म हो जाएगी. तो ये रौनक रहे इसलिए हम इसको ऊपर ऊपर से चलाते जाएंगे इसको. देखो देख रही हूँ सारी रौनक गायब हो गई इसकी. बॉईल करेंगे थोड़ी सी देर के लिए इसको, हल्की उस पर पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी सी देर.